कद्दावर नेता व रामपुर से सांसद आजम खान की फिर मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोर्ट ने एक बार फिर आजम खान पर शिकंजा कसा है। जानकारी के अनुसार समाजवादी पार्टी से यहां के सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में हाजिरी न होने के बाद यह वारंट जारी किए हैं। अब उन्हें 26 नवंबर को हाजिर होने के आदेश दिए गए हैं। आचार संहिता उल्लंघन का यह मामला लोकसभा चुनाव के दौरान का है। आजम खान सपा के टिकट पर पहली बार सांसद का चुनाव लड़े थे। चुनाव प्रचार के दौरान स्वार क्षेत्र में उन्होंने रोड शो किया था। रोड शो के लिए प्रशासन से अनुमति ली गई थी। आरोप है कि अनुमति में दिए गए समय से अधिक देर तक रोड शो निकाला गया था। इस पर पुलिस ने 4 अप्रैल को आजम खान और सपा जिला अध्यक्ष अखिलेश कुमार के खिलाफ स्वार कोतवाली में आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने इस मुकदमे में चार्जशीट लगा दी थी। अपर जिला जज की अदालत ने चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए मुकदमे की सुनवाई शुरू कर दी। अदालत ने सांसद को समन भेजे। इसके बाद भी कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर 3 बार जमानती वारंट जारी किए गए। बुधवार को सांसद को कोर्ट में हाजिर होना था। सहायक शासकीय अधिवक्ता राम अवतार सिंह सैनी ने बताया कि इस बार भी सांसद कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। इस पर न्यायालय ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। अदालत अब 26 नवंबर को सुनवाई करेगी। और क्योंकि विधानसभा का भाई इलेक्शन सामने है, ये जुल्म करके यूनिवर्सिटी बर्बाद करके इलेक्शन जीत लेंगे क्या? भारतीय जनता पार्टी और जिले का इंतजामिया इलेक्शन जिता पाएगा? मुझे हरा पाए? मुझे हरा सके इलेक्शन? ऐसे जीतेंगे विधानसभा जुल्म करके? सपा सांसद आजम खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है, किस मामले में जारी हुआ और किस कोर्ट की ओर से जारी हुआ है? ये समाजवादी पार्टी के जो मंत्री हैं श्री आजम खान, इनके खिलाफ एडीजी 6 से गैर जमानती वारंट जारी किया गया है, उसमें आज आदेश हुआ है। ये मामला ये है कि 4 अप्रैल 2019 को समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष अखिलेश कुमार द्वारा एक रोड शो करने के लिए सवार में अनुमति ली गई थी। उसका समय दोपहर 12 बजे से रात्रि 8 बजे तक का था, लेकिन निर्धारित अवधि से ज़्यादा देर तक ये रोड शो किया गया। तो उस समय के वहाँ के पुरंदस्थ के प्रभारी हैं डॉक्टर पवन कुमार, उनके द्वारा ये NCR दर्ज करवाई गई थाने में। उस मामले में न्यायालय में चार्जशीट आई। उस चार्जशीट आने के बाद में जो समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष अखिलेश कुमार हैं उन्होंने अपनी जमानत करवा ली थी, लेकिन मोहम्मद आजम खान द्वारा आज तक न्यायालय में उपस्थित हुए। पहले उनका सम्मन यहाँ जारी किया गया था। सम्मन के बाद प्राप्त होने के बाद BW वारंट जारी किया गया। BW पर भी जब उपस्थित नहीं हुए हैं तो उनके खिलाफ न्यायालय AD6 द्वारा जो जिसके तहत श्री धीरेन्द्र कुमार जी हैं उन्होंने गैर जमानती वारंट उनका आज जारी किया। इस गैर जमानती वारंट से क्या नुकसान हो सकता है वहाँ को? इस गैर जमानती वारंट से पुलिस उनको गिरफ्तार कर सकती है। गैर जमानती वारंट का मतलब ये गिरफ्तारी, एक तरह से गिरफ्तारी वारंट होता है ये। उस गिरफ्तारी वारंट में अगर आजम खान पुलिस JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।